सुन मेरी बात। हे गाइस यार कैसे हो सब लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी टाउन हॉल्स पे लेजेंड लीग हिट करना चाहते हो, मतलब ट्रॉफीज पुश करना चाहते हो, तो ये बेस्ट है वीडियो आपके लिए। तो आप लोग ये पूरी एंड तक देखना, अगर आप बीच में इसे मिस करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोग प्लीज़ लाइक करो यार, इस वीडियो को लाइक हम लोग रखेंगे सिर्फ 1400 लाइक्स का, तो आप कर दो एंड सब्सक्राइब करो यार। अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो ना टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड, तो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। एंड फिर उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइस मुझे बहुत सारे बंदे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं कि मुझे ये टाउन हॉल से लेजेंड जाना है, वो टाउन हॉल से पुशिंग करनी है, मुझे बताओ। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए ही बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ एंड तक देखो। मैं आपको अटैक्स भी दिखाऊंगा और मतलब पर्टिकुलर टाउन हॉल्स के स्पेसिफिक मैं आपको ये भी बताऊंगा, टिप्स भी दूंगा। तो यहाँ पे मेरी ट्रॉफीज देख लो, फिलहाल गाइस टाइटन 2 पे हूँ और मैं भी जा रहा हूँ लेजेंड लीग हिट करने ही वाला हूँ। मतलब देखते फटाफट से मुझे बेसिस मिले। तो वैसे मैं आपको पता ही कि मैं नाइट में अटैक्स करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितनी क्लाउडिंग मैं दिन में फेस करता हूँ उतना नाइट में मुझे बिल्कुल नहीं मिलती है इसके वजह से। तो ठीक है आपको चलो मैं अटैक्स दिखा के एक्सप्लेन भी करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप बेस देख लो, टाउन हॉल 9 का बेस एंड लेजेंड बेस मिला है, वो भी एकदम शो बेस मिला है, ठीक है। तो टाउन हॉल 7 की बात करते हैं, टाउन हॉल 7 तो इस पे गाइस वैसे कर ही देगा 2 स्टार, मतलब 2 स्टार से ऊपर नहीं होगा। अगर डेड बेस होता तो होप्स हो जाता, और अगर इसके एयर डिफेंस और सारे डिफेंसेस अगर अलग अलग होते तो शायद हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ओके तो ये ऑफर मुझे बहुत ही मतलब बेस्ट मिला, मैं लिटरली शॉक हो गया था। वैसे गाइस आपको टाउन हॉल 7 पे बताता हूँ, 7 से आपको 2000 ट्रॉफीज करनी है। आप लोग नॉर्मल ग्राउंड अटैक से भी कर सकते हो, तो ये अटैक पर भी गाइस फोकस करो ताकि इससे आपको कुछ टिप्स मिले, ठीक है। पहले क्या डिप्लॉय करना है, बाद में क्या डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो 2000 तक आपको वैसे ही करना है, एंड देन उसके बाद आपको सीधा ड्रैगन अटैक पे स्विच करना है, जो आप मतलब मर्जी आप 9 ड्रैगन्स लो, फिर उसके बाद आर्चर्स एंड मिनियंस भी लो, ताकि आपको पता ही ये क्लीनअप भी करना होता है। तो ये वाला अटैक तो गाइस इजीली मैंने कर दिया 2 स्टार एंड लेजेंड बेस है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रॉफीज़ मिलती है, ऐसा नहीं है कि हमें ट्रॉफीज़ नहीं मिलती, ठीक है। आप कंटिन्यूस सर्च करो, बहुत ज़्यादा हार्ड सर्च करो, ठीक है, और मतलब जल्दी से डिफेंस ना होने दो। ऐसा नहीं कि एक अटैक करो और फिर सीधा ऑफलाइन जाओ और डिफेंस ले लो, ऐसा नहीं। आप जितना टाइम तक खेल सको, लो टाउन हॉल पर यही मज़ा आता है कि मतलब लोग कोई भी देखते हैं ना कि यार मतलब इतना लो टाउन हॉल हो कि तूने लेजेंड कैसे कर दिया भाई, मतलब ऐसा लगता है ना लोगों को कि मतलब क्या हासिल कर लिया, एकदम बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली, ऐसा लगता है। मैंने भी ये फीलिंग टाउन हॉल 9 पे बहुत बार ले ली है, जब मैंने 5600 ट्रॉफीज़ मैंने पुश किया। ओके सो गाइस यहाँ पे टाउन हॉल 7 का आपको मैंने बता दिया कि कैसे अटैक्स करना है, नॉर्मली ड्रैगन से और रेड स्पेल या फिर लाइटनिंग स्पेल आप जो मर्जी चाहो यूज़ कर सकते हो, और आप पिछले वीडियोज़ भी देख लो, आपको बहुत मतलब डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे अटैक्स करना है 7 से। ओके तो यहाँ पे वैसे ये देखो 80%, तो मैंने इस पर पूरा ट्राई किया था कि मैं इस पर कर दूँ 3 स्टार, लेकिन थोड़ा मतलब बच गया क्योंकि यहाँ पे डिफेंसेस बचे थे इसके, एयर डिफेंस जो मार देते ड्रैगन को। सो ये हो गया गाइस टाउन हॉल 7 का, अब हम लोग बढ़ते हैं टाउन हॉल 8 की तरफ। ओके तो यहाँ पे 8 की मतलब बात करते हैं, और मेरे को यहाँ पे बेस भी मिला है टाउन हॉल 8 का। तो टाउन हॉल 8 गाइस इस पे ये वाले बेस पे मेरा बहुत अच्छा अटैक हुआ, सीरियसली आपको अच्छा लगेगा। आप देखो मैंने इस पे क्या किया, टाउन हॉल समझो 7 का तो हो गया, तो आप 8 की बात करते, 8 पे भी ऐसा ही, 8 पे तो आपको ग्राउंड आर्मी यूज़ करना है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल तो 7 के ही सारे अटैक्स दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करूँगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो में शायद से आपको पर्टिकुलर टाउन हॉल्स के अटैक भी दिखाऊँ। तो ये वाली वीडियो भी आप लोग देखना पूरी, बहुत मतलब टिप्स बता रहा हूँ आपको ताकि आप उसे यूज़ करो। तो उसके बाद 7 से तो गाइस 8 पे अगर आप प्रॉपर अटैक करोगे ना तो एकदम अच्छे से हो जाएगा भाई, 3 स्टार भी हो सकता है अगर आप करोगे तो। ये परफेक्ट एग्जांपल है, ये रिप्ले से आपको पता चलेगा। एंड टाउन हॉल 8 से पुशिंग की बात करें तो वही आपको यूज़ करना है, मतलब जो 7 पे मैंने बताया, लेकिन आपको ट्रॉफीज ना आपको पहले ग्राउंड आर्मी से अटैक करना है 8 से। ओके ग्राउंड आर्मी मतलब आपको पता ही है क्या क्या कर लेना है, 2 गोलेम, 2 पेक्का वॉल्केरी, सॉरी 1 पेक्का लो, वॉल्केरी लो और सीसी में मैक्स वॉल्केरी, और आपको पता ही वॉल ब्रेकर्स आर्चर्स मिनियन से फिर आर्मी कैंप फुल हो जाता है, ठीक है ना। क्विक स्पेल रेज एंड 1 हील, तो उसी से आपको अटैक्स करते जाना, आपको मतलब
जैसे ही आपको बहुत सारे टाउन ऑन लाइन मिलेंगे तो टाउन ऑन लाइन पे शुरुआत में आप ट्राई करो कि 3 स्टार करो उस पे टाउन ऑन लाइन पे, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में इजी बेसिस मिलेंगे 2000 ट्रॉफीज़ के ऊपर एंड देन आपको फिर बाद में मिलने लगेंगे मैक्स बेसिस टाउन ऑन लाइन के, तो आप मतलब चैंपियन लीग तो टाउन ऑन 8 से ऐसे ईजिली हिट कर दोगे, TH9 के बहुत सारे बेसिस मिलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको 10 मिलना चालू हो जाएगा टाउन ऑन 10 के बेसिस, तो ऐसे ऐसे टाउन ऑन 10 के बेसिस पर आप अटैक करो जो टाउन हॉल कॉर्नर पे हो, ठीक है। मोस्टली टाउन हॉल 8 का जो पुशिंग है ना वो सिर्फ स्नाइपिंग पे ही होती है, मतलब टाउन हॉल स्नाइप जिसको हम बोलते हैं वो स्नाइप करके हम लोग उस पर अटैक करके ट्रॉफीज ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बेसिस मिलेंगे टाउन हॉल 10 के, शायद उस पर अगर आप 2 स्टार करो तो उस पर कर सकते हो, मतलब आपको श्योर लगे तो, या फिर आप 1 स्टार पे ही जाओ, क्योंकि जो ग्राउंड ट्रैप्स होते हैं ना वो मतलब टाउन हॉल 8 से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होता है ट्रैप्स से बचना, तो इसके लिए आप ट्रैप से बचो एंड आप अटैक करो, 1 स्टार कंफर्म करो, फिर 2 स्टार के लिए जाओ, ठीक है। तो ये टाउन हॉल 8 की मतलब सबसे बेस्ट टिप है मेरी तरफ से एंड मतलब आपको उससे मतलब हायर लेवल के भी बेसिस मिलते हैं, लेकिन उस पर आप अटैक ना करो, आप ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा मैं हार्ड सर्च करूँ एंड फिर उसके बाद मतलब कोई अच्छा बेस आपको प्रॉपर मिलेगा तभी उस पर अटैक करो, मतलब नॉर्मली आपको अगर फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, अगर आप मतलब नहीं मिल रहा है बेस तो आप मतलब जल्दबाजी में अटैक ना ही करो। तो ये वाला अटैक देखोगा इस वैसे 93% से मेरा हो गया, लिटरली एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लोज था 45 ट्रॉफीज से, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नाइट में इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज मिलती है ना क्या बताऊँ आपको, बहुत मज़ा आता है अटैक करने में। तो ये हो गया था गाइस, यहाँ पे मुझे 30 ट्रॉफीज मिली थी एंड 94% अटैक हुआ। और उसके बाद गाइस ये वाला बेस देख लो, टाउन हॉल 10 एंड लेजेंड बेस है गाइस यहाँ पे, और ये इस बेस पे मैंने फेल नहीं किया, तो ये अटैक भी आप लोग देख लो, बहुत आपको सीखने मिलेगा इससे। तो अब बात करते हैं गाइस टाउन हॉल 9 पुशिंग की। टाउन हॉल 9 पे क्या होता है आपको पता ही है कि आपको मतलब फिलहाल तो स्टार्टिंग से ही पुश करना है, ग्राउंड आर्मी से पुश कर लो, मतलब लावलून अटैक कर लो, टाउन हॉल 9 के बहुत सारे बेसिस मिलते हैं, आप 3200 तो ऐसे ही पुश कर दोगे, चैंपियन लीग तो ईजिली जाओगे ग्राउंड आर्मी से, फिर उसके बाद आप स्विच कर लो सीधा बेबी लून अटैक पे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई फिर भी ग्राउंड अटैक यूज़ कर रहे, फिर भी टाइटन लीग जा रहे, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ग्राउंड बेस मतलब ग्राउंड आर्मी से अटैक करने के लिए आपको अच्छा बेस चाहिए, आप ऑब्वियसली टाउन हॉल 10 के मतलब मैक्स ऑफर स्किप कर दोगे तो ये नहीं करना है, ये हम एयर आर्मी से नहीं करेंगे स्किप, ठीक है, क्योंकि बेबी लून अटैक्स बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है, जिससे टाउन हॉल 13 पे भी 1 स्टार अटैक करते हैं टाउन हॉल 9 से। तो ये बात आप समझ लो, जैसे आप चैंपियन लीग हिट करोगे तो उसके बाद आप बेबी लून अटैक्स पे स्विच कर लो। मैंने भी बहुत मतलब ग्राउंड आर्मी से टाउन हॉल 9 पे अटैक्स स्टार्ट किए थे, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि भाई मतलब ग्राउंड से ज़्यादा एयर इफेक्टिव है। मैंने भी शायद से टाइटन 1 तक मैंने ग्राउंड आर्मी से अटैक किया, लेकिन मैं इतना टाइम तक सर्च करता था ऐसा बेस मुझे मिलता ही नहीं था, सिर्फ 9 पर अटैक करना पड़ता था मुझे। देन मैं सैवेज 8.9 में था तो मुझे वहाँ के मतलब एक मेरा फ्रेंड है सुमो, उसने बताया कि तू बेबी लून अटैक स्टार्ट कर, जल्दी लेजेंड हिट कर देगा। तो मैंने शुरुआत में स्ट्रगल किया, अटैक्स फेल भी हुए, लेकिन फिर उसके बाद जैसे मुझे वो मतलब जम गया ना अटैक मेरा उस पर बेबी लून पे, तो मैंने कर दिया लेजेंड लीग एकदम बहुत जल्दी कर दिया था, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये सबसे बेस्ट है। तो उसी के बाद से मैंने आपको हर मतलब जो जिसने भी मुझे पूछा है टाउन ऑनलाइन से कैसे क्या करना है, तो मैंने उसे रिकमेंड किया है कि आप बेबी लून अटैक स्टार्ट करो। तो ये मैं आपको बोलता हूँ कि आप चैंपियन 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद अटैक्स तो आपको बहुत मतलब बेसिस बहुत सारे मिलते हैं, सीरियसली हर टाउन हॉल पे आप अटैक करने जाओगे ना बेसिस बहुत ज़्यादा बहुत सारे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बेस नहीं मिलता है, आपको बस हार्ड सर्च करना है, ठीक है, लॉन्ग सर्च। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और क्लाउड्स में बेसिस नहीं मिलते हैं, तो मतलब जल्दबाजी करके हम लोग अटैक फेल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना, अटैक फेल तो एकदम से इग्नोर ही कर दो, होना ही नहीं चाहिए। और सेशन जो होता है ना मतलब डिफेंस होने से पहले, आपको पता है ना कि ये आता है पर्सनल ब्रेक गाइस, जब तक ना आए तब तक आप अटैक्स करते रहो, जितना ज़्यादा अटैक्स करोगे ना उतना ही बेनिफिट है, ठीक है। अगर आपको डिफेंस ज़्यादा अगर जाता है ना -59 का भी जाए, तो आप उससे पहले इतने अटैक्स करो कि वो -59 अगर हो तो उसके बाद भी आपको कुछ ना लगे, मतलब ऐसा लगे कि यार मैंने इतने ज़्यादा ट्रॉफीज पुश की है तो -59 का डिफेंस तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिफेंस इतना ज़्यादा गिरता है उसकी वजह से ही ट्विट कर देते पुशिंग, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे होते ही है ट्रॉफी
काफ़ी पुशिंग में, क्योंकि मतलब कोई फेल्स होता है, कंटिन्यूसली भी फेल्स होते हैं बहुत सारे बेसिस पे, मतलब हार्ड बेस मिलते जाते तो फेल होता है। तो ऐसा आप ना करो, मतलब क्विक ना करो मुझे। आप कुछ भी अगर इससे रिलेटेड, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मुझसे सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा ज़रूर। ओके, सो गाइस यही थी वीडियो। आई होप कि मैंने अच्छे से प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया है। एंड आप लाइक करो यार इस वीडियो को, अगर आपको मेरी मतलब जो मैंने बात बताया आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करो, लाइक एम कंप्लीट करवा दो, और सब्सक्राइब किए बिना कोई जाएगा नहीं, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी वीडियोज़ लाऊंगा आपके लिए। एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, अगर आप उससे अलग कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मिलते गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।